तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो डिस्प्ले लाइट के सेक्शन के बारे में मैंने पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे मोबाइल फोन में यदि डिस्प्ले लाइट की समस्या आती है तो डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं या डिस्प्ले लाइट को रिपेयर करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप टोटली बात कर रहे थे कि आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में डिस्प्ले लाइट की समस्या आएगी तो डिस्प्ले लाइट की समस्या को आप कैसे रिपेयर करेंगे उसका पूरा तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। वो मैंने पहला तरीका आपको समझा रहा, आज मैं आपको उसी तरीके को मैं आपको बोर्ड में सिमेटिक के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा ट्रैक जाता है, किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग का क्या तरीका रहता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड में सिमेटिक के ऊपर। बोर्ड में सिमेटिक में जब आप देखेंगे तो आपकी ये तीन लाइन दी हुई है। तीन लाइन का मतलब क्या होता है, एक आपकी जो लाइन दी है ये एलईडी की कैथोड लाइन है, माइनस लाइन है, ये एलईडी की प्लस लाइन है, ये पीएम आउट का मतलब होता है ये आपका इनेबल लाइन है। इनेबल लाइन का मतलब क्या होता है, पावर आईसी लाइट आईसी को ये आउट करके बताएगी कि भाई देखो तुमको ब्राइटनेस देना है तो मतलब लाइट देना है तो कितना कम देना है कितना ज्यादा देना है, उसी को कंट्रोलिंग के लिए ये लाइन का यूज होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में कैसे काम होता है और इसका लाइट कैसे कन्वर्ट होकर के जो हमारी जो 3.7 वोल्टेज होती है वो 3.7 वोल्टेज कुल मिलाकर के कन्वर्ट होकर के कैसे 1424 वोल्टेज में जनरेट होता है। जैसे आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको और जूम करके बता देता हूं, ये देखिए ये आपके मोबाइल फोन में लाइट का सर्किट है। सर पूरा दिखाई दे रहा ना सारे बच्चों को क्लियर अच्छे से? देखिए मैं लाइट के सर्किट को समझाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, चार्जिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी चार्जिंग आईसी लगी होती है, इसको आप BQ नाम से जानते हैं, इसको चार्जिंग आईसी भी कहते हैं। ये चार्जिंग आईसी के माध्यम से सबसे पहली बात यहाँ से जो बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव सप्लाई होती है वो पॉजिटिव सप्लाई इस आईसी के अंदर जाती है और यहाँ से आपकी जो VPH लाइन आउटपुट होती है, ये VPH लाइन होती है 3.7 वोल्टेज जो सप्लाई होती है वो कॉइल पर जाती है, कॉइल के माध्यम से सिंपली सप्लाई आगे पास होती है और ये सप्लाई तुम्हारी जाती है बूस्ट कॉइल के अंदर। ये बूस्ट कॉइल क्या काम करती है, उस सप्लाई को लेने के बाद लाइट आईसी के अंदर डाल देती है। ये लाइट आईसी के अंदर जब सप्लाई पहुंच जाती है तो लाइट आईसी क्या काम करती है, उस सप्लाई को वोल्टेज को बूस्टअप करती है। कैसे वोल्टेज को बूस्टअप करती है, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा था वो 3.7 वोल्टेज होता है, ये बूस्टअप होकर के यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगा ये तुम्हारा जो वोल्टेज निकलने वाला है डायोड के माध्यम से आईसी के माध्यम से जो वोल्टेज तुम्हारा निकलने वाला है ये तुम्हारा 14 से लेकर के 24 वोल्टेज निकलने वाला है। ये 14 से 24 वोल्टेज होता है यहाँ से निकलता है और चला जाता है आपके डिस्प्ले के जैक पर। यहाँ पर डिस्प्ले का पत्ता लगा होता है, ये तुम्हारे डिस्प्ले के फिल्टर लगे होते हैं, ये डिस्प्ले के लाइट के ट्रैक दिए हुए। मैं एक बार फिर थोड़ा आपको जूम करके बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। ये आपका डिस्प्ले का लाइट का सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहली बात क्या, डिस्प्ले लाइट के लिए डिस्प्ले लाइट के जलने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपके यहां से जो VPH वोल्टेज आते हैं, ये VPH वोल्टेज जो आते हैं 3.7 वोल्टेज होते हैं। ये 3.7 वोल्टेज अगर आप सिंपली देखेंगे तो सबसे पहली बात ये वोल्टेज जो टूट जाते हैं ये तुम्हारे कॉइल पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, कॉइल पे जाते हैं। कॉइल से जो सप्लाई होती है ये सप्लाई यहाँ से पास होती है, पास होने के बाद आगे चली जाती है। कॉइल का काम क्या होता है, करंट को आगे की तरफ पास कर देना। जैसे कॉइल करंट को आगे की तरफ पास कर देती है तो ये सप्लाई कॉइल पे जाती है। कॉइल से जाने के बाद एक तो हिस्सा चला जाता है लाइट आईसी के पास, दूसरा हिस्सा कॉइल से पार होकर के डायोड से होने के बाद फिर ये लाइट आईसी पे चला जाता है। तो इसकी दो सप्लाई हैं जो कॉइल से कनेक्ट हो जाते हैं लाइट आईसी के अंदर। एक तो सप्लाई इधर से कनेक्ट हो जाती है, दूसरा सप्लाई कॉइल के दूसरे हिस्से से कनेक्ट हो जाती है और उसका एक हिस्सा तुम्हारा डायोड से भी कनेक्ट होता है। यहाँ पर जब वोल्टेज जनरेट होते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज के क्या होते हैं, बूस्टअप होते हैं। वोल्टेज बूस्टअप होने के बाद ये देखिए पावर आईसी के माध्यम से जो लाइन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम आउट, ये पीएम आउट लाइन जो होती है इसको इनेबल लाइन भी बोलते हैं। ये लाइन क्या काम करती है, इस लाइट आईसी को इनेबल सिग्नल देती है। ये इनेबल सिग्नल ये क्रिएट करती है कि देखिए आपको वोल्टेज कितना जनरेट करना है। इनेबल का मतलब क्या है, वोल्टेज कितना जनरेट करना है, कितना वोल्टेज को तुमको बूस्टअप करना है। फिर यहाँ से वोल्टेज तुम्हारा बूस्टअप निकलता है, ये बूस्टअप वोल्टेज यहाँ से निकलने के बाद कैपेसिटर पर जाता है, कैपेसिटर के बाद डायोड के हिस्से पर जाता है, डायोड से होता हुआ फिर आपका चला जाता है LCD जैक पर। अच्छा यहाँ पर जो वोल्टेज होता है ये तुम्हारा एनोड लाइन का वोल्टेज होता है, LED का एनोड लाइन का वोल्टेज होता है। यहाँ पर 14 से लेकर के 24 वोल्टेज जनरेट होकर के आता है।
जब 14 से 24 वोल्टेज जनरेट होकर गया था, तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलती है। डिस्प्ले का जो कैथोड का पॉइंट होता है, ये लाइन होती है, एक रजिस्टर के माध्यम से ग्राउंड होती है, ग्राउंड के माध्यम से रजिस्टर सप्लाई लाइट आईसी के द्वारा ही निकलती है, फिर ये सप्लाई आउट होने के बाद आपकी आगे चली जाती है। ये सप्लाई आगे जाती है और आगे जाने के बाद ये सप्लाई चली जाती है डिस्प्ले के पॉइंटों पर। यहाँ पर डिस्प्ले के जो पॉइंट होते हैं, वहां पर दो पॉइंट दिए होते हैं, एक तो पॉइंट आपका एनोड का होता है, दूसरा कैथोड होता है, ये भी कैथोड होता है, इसको हम ए बोलते हैं, इसको के वन बोलते हैं, इसको के टू बोलते हैं। ज्यादातर जो डिस्प्ले लाइट का पत्ता होता है, डिस्प्ले के लाइट के पत्ते में ऐसे तीन पॉइंट दिए होते हैं, एक तो प्लस होता है, दो पॉइंट माइनस होते हैं, एक को के वन, एक को के टू बोल देते हैं और एक को एनोड बोल देते हैं। जो एनोड पॉइंट होता है यही आपका मेन पॉइंट होता है, इसी में वोल्टेज आते हैं 14 से लेकर के 24 वोल्टेज। जब 14 से लेकर 24 वोल्टेज आएंगे तब आपके मोबाइल फोन में डिस्प्ले में लाइट जलेगी और यहाँ पर जो सप्लाई आती है वो नेगेटिव सप्लाई आती है। अगर नेगेटिव सप्लाई ख़राब हो जाती है, मान लिया कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले जो पत्ता लगा होता है उसमें चेक करते हैं तो उसके एनोड के पॉइंट में वैल्यू आती है, कैथोड के पॉइंट पर भी बीप आती है। अगर मान लिया कई बार बीप नहीं आती तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जो वहीं पर माइनस का पॉइंट होता है, माइनस का पॉइंट को उठा करके ग्राउंड पर जंपर मार देते हैं। जैसे ग्राउंड पर जंपर मार देते हैं आपकी लाइन क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर यहाँ पर लाइट नहीं आती तो ग्राउंड के ट्रैक में अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस अटैच में लगा होता है। अगर रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तब भी इसकी सप्लाई ग्राउंड से नहीं मिलती, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है, ये मात्र एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस होता है, देखिए 10 ओम लिखा हुआ है, ये क्या काम करता है, ग्राउंड से अटैच होता है। अगर ये खराब हो जाएगा तो भी आपके ग्राउंड की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे पॉजिटिव सप्लाई के लिए ट्रैक बनाया गया है, उसी तरीके से नेगेटिव सप्लाई को भी ग्राउंड से ट्रैक बना दिया जाता है, ताकि अगर नेगेटिव सप्लाई पर लोड पड़ता है तो वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक होने की वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल फोन में लाइट नहीं आती, तो हम लोग इस रेजिस्टेंस खराब होने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस रेजिस्टेंस पे ऐसे जंपर मार देंगे तो आपको एक ग्राउंड से अटैचमेंट हो जाएगा और आपकी लाइट जल जाएगी। या तो नीचे एनोड कैथोड की जो पॉइंट होता है उसको ऑलरेडी कहीं से भी ग्राउंड कर देंगे तब भी आपके मोबाइल फोन में लाइट जल जाएगी। तो ये लाइट आईसी का जो मैंने आपको सर्किट बनाया है, ये लाइट आईसी के 6 पिन का सर्किट बनाया है। ये आपके मोबाइल फोन में जो 6 लेग की लाइट आईसी लगी होती है, वो 6 लेग की लाइट आईसी कैसे काम करती है, उसको काम करने का तरीका क्या होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोगों ने समझा है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर डिस्प्ले लाइट की जो समस्या आती है, वो डिस्प्ले लाइट की समस्या को हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसको चेक करने का तरीका क्या होता है। अच्छा, ये जो मैंने आईसी आपको बताई है, ये मैंने आपको आईसी पिन वाली आईसी बताई है। अब इसी तरीके से एक और मैं आपको दूसरा सर्किट बताता हूँ, जैसे हमारे पास रेडमी 7A का होता है, और इसके अंदर जो आईसी लगी होती है तुम्हारी बॉल वाली आईसी लगी होती है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके समझाता हूँ, ये देखिए बॉल वाली, ये देखिए सबसे पहली बात का, ये लाइट आईसी लगी होती है, ये लाइट आईसी आपकी जो लगी होती है, ये 12 पिन की लाइट आईसी लगी होती है। अगर ये बॉल वाली आईसी खराब हो जाएगी तो यहाँ पर किसी दूसरे मदरबोर्ड से आप बॉल वाली जो 12 पिन की लगी आईसी होती है उसको आप निकाल करके लगा सकते हैं। इस आईसी का भी सेम वर्किंग रहता है। इस आईसी क्या काम रहता है, सबसे पहली बात यहाँ से VPH सप्लाई आती है, अगर आप देखेंगे VPH पावर लिखा हुआ है, ये VPH सप्लाई आती है, ये VPH सप्लाई यहाँ से होते हुए रजिस्टेंस, तो एक कॉइल लगी होती है, कॉइल के माध्यम से ये पहुँच जाती है तुम्हारी लाइट आईसी के अंदर। ये लाइट आईसी क्या काम करती है, लाइट आईसी उस सप्लाई को वोल्टेज को बूस्टअप कर देती है, और बूस्टअप करने के बाद दो तरीके के वोल्टेज निकालती है। एक तो पहला वोल्टेज निकालती है जिसको हम लोग LED का एनोड पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं, दूसरा वोल्टेज निकालती है जिसको LED का कैथोड, या K2, K1, K1, K2, इस तरीके से तीन चार अलग अलग वोल्टेज निकाल देती है। वो सारे निगेटिव के माइनस के वोल्टेज होते हैं। मेन वोल्टेज अगर लाइन अगर आप देखेंगे तो पहली ये VPH पावर की सप्लाई को चेक करेंगे, ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा है 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, अगर आप चेक करेंगे इसको, चेक करने पर बीप देगा, अगर बीप नहीं देता है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है कि कॉइल को सप्लाई नहीं मिल पाती तो लाइट नहीं जलेगी, तो इस पर हम जंपर मार देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी प्रॉब्लम सेम रहती तो इस कॉइल को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर कॉइल चेंज करने के बावजूद भी प्रॉब्लम सेम है तो यहाँ पर एक बूस्टअप 2 पिन का डायोड भी लगा होता है, जो एक पॉइंट उसके आउटपुट से जुड़ा होता है, एक पॉइंट उसके इनपुट से जुड़ा होता है। तो ये डायोड खराब हो जाता है तब भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है। फिर आप ये जो आउट की लाइन होती है, इस आउट की लाइन को चेक करेंगे, ये LED का एनोड का पॉजिटिव लाइन है, ये पॉजिटिव लाइन आगे जाएगा और ये लाइन सीधे तुम्हारे कहाँ चला जाता है, LCD जैक के पॉइंट पर। जब LCD जैक में तब आपके लाइट चलना चालू हो जाती है। उसके बाद क्या है, जब इसको काम करने के लिए इसमें भी इनेबल सिग्नल आता है, जैसे आप देखेंगे ये स्लेटी कलर की लाइन दी हुई है, ये आपके यहाँ पर इनेबल सिग्नल आता है। ये इनेबल सिग्नल का मतलब होता है, देखा है WLED इनेबल,
ये देखिए, यहाँ लिखा डब्ल्यू एल ई डी इनेबल, ये इनेबल सिग्नल आता है और ये इनेबल सिग्नल क्या काम करता है, लाइट आईसी को ये एक्टिव करता है कि तुमको कितना वोल्टेज जनरेट करना है। ये इनेबल सिग्नल कहाँ से आता है, इस आईसी से आता है, पावर आईसी से आता है। ये क्या काम करता है, इसको ये जनरेट करता है कि तुमको कितना लाइट को देना है, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा करना है, इन सब चीज़ों के लिए ये हमारा इनेबल सिग्नल यूज होता है और लाइट को कंट्रोल करता है। यहाँ पर लिखा डब्ल्यू एल ई डी इनेबल, जिससे डिस्प्ले की लाइट हमारी क्या होती है, कंट्रोल होती है और डिस्प्ले की लाइट हमारी जलती है। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, सारे मोबाइल फ़ोन में यदि डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है, तो डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आने पर हम उसके तीन से चार जो कंडीशंस होते हैं, वो सारे कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करते हैं, आपको ये चेक करना होता है कि लाइट आईसी तक वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन आप ये चेक करते हैं कि लाइट आईसी का जो कैथोड वाला, सॉरी एनोड वाला लाइन है, वो डिस्प्ले जैक तक प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, मतलब आप उसके इनपुट और आउटपुट को चेक करते हैं। इनपुट और आउटपुट चेक करने के बाद फिर उसका जो कॉइल और डायोड लगे होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद जो उसको इनेबल लाइन आ रही होती है, जिसकी वजह से लाइट की कंट्रोलिंग हो रही होती है, तो आपको उसको भी चेक करना होता है। तो इस तरीके से यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है, उस मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम आती है, तो डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और एक एक करके उसकी आने वाली समस्याओं को ठीक करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, जो मैंने आपको बॉर्निंग सिमेटिक के माध्यम से बताया है किस तरीके से लाइट की प्रॉब्लम आती है, जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं उसको चेक करना सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को आप अच्छे से देखें। अच्छा, वीडियो कोई भी आपको अगर एक बार नहीं समझ में आती, तो वीडियो के एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो इस वीडियो संबंधित और भी सारी वीडियो चैनल पे पड़ी हैं, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा, बॉर्निंग सिमेटिक पे जो वीडियो देख रहे हैं, इसका जो सर्किट ट्रैक के बारे में मैंने आपको बताया है, वो इससे पहले का पार्ट का वीडियो है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें, ताकि वो वीडियो जब आपको मिलेगी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद फिर इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको रिपेयरिंग करने में आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, ये जितनी भी सारी वीडियो मैं आपको बनाता हूँ, ये आप ही को लोगों के ट्रेनिंग के लिए वीडियो होती है, ताकि आपको ट्रेनिंग मिले और आपको हेल्प मिले। और मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, आज हमारे पास हरदोई से एक लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान समथिंग एक साल से चला रहे थे, और आज उन्होंने अपने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और ट्रेनिंग के लिए आए। उन्होंने बोला कि सर, मैं एक साल से आपकी वीडियो के माध्यम से, पहले मैं जनसेवा केंद्र का काम करता था, लेकिन आपकी वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिली, और यहाँ तक कि समझ लीजिए चार्जिंग कनेक्टर भी डालने का तरीका है, वो भी मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से सीखा हुआ है, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कई सारी प्रॉब्लम को मैंने देखा, कई सारे मोबाइल फ़ोन को लॉक खोले, कई सारे मोबाइल फ़ोन की FRP हटाई और मोबाइल फ़ोन में ग्लास चेंज किया, इतना सारा काफ़ी चीज़ मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से, एक साल हो गया काम करते करते, लेकिन अब हमको लगता है कि एक बार पूरा कंप्लीट हमको ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार हम पूरा कंप्लीट सीख लेंगे तो फिर हम सफलतापूर्वक अच्छी तरीके से बैठ करके काम करेंगे और हमको काम करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को देखें, अच्छे से समझें, और अगर आप इसी तरीके से पूरे एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आकर के आप A से लेकर Z तक, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट आप मोबाइल फ़ोन की हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेकर के MNC लेवल तक का कंप्लीट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, वीडियो के माध्यम से जो भी सारी चीज़ों को सीख रहे हैं उनका नोट्स बनाएं, प्रॉपर तरीके से समझें, अच्छे से उनको राइटिंग करें और उनको अच्छे से समझें। जो लोग दुकान वाले हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।